हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। आज के वीडियो में मैं आप सब से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं और वो है अबाउट मेकिंग अ शेड्यूल और अ डेली रूटीन फॉर योर बेबीज। अगर आप एक ट्विन पेरेंट है फिर तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कुछ आइडियाज मिल जाएंगे कि कैसे आप अपने बेबीज के फीडिंग एंड स्लीपिंग शेड्यूल वगैरह को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, जिससे कि पूरे दिन भर में कुछ टाइम एटलीस्ट आपको खुद के लिए मिल पाए। एक बेबी अगर एक मम्मा के लिए फुल टाइम जॉब की तरह है तो सोचिए दो बेबीज कैसे होंगे। इट इज अ नेवर एंडिंग जॉब। 2019 अगस्त में मेरे ट्विन बॉयज के बर्थ के बाद मेरे अंदाजे और एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा हेक्टिक लाइफ हो गई थी मेरी। बेबीज का एक कंटिन्यूस साइकिल चलता था, फीडिंग, बर्पिंग, स्लीपिंग, डायपर वेटिंग का, और ये नेवर एंडिंग साइकिल मुझे रेस्ट लेने को बिल्कुल नहीं देता था। मुझे याद है उस दौरान मेरी एक कलीग ने, जो कि एक एक्सपेक्टेड ट्विन मॉम थी, उन्होंने पूछा था कि मधु कैसा चल रहा है लाइफ, हाउ इज लाइफ विथ ट्विन्स। तो मैंने उनको क्या आंसर दिया था कि जितनी जिंदगी जी लेनी है तुम अभी जी लो। तुम्हें लग रहा होगा कि ट्विन्स के साथ प्रेग्नेंट होना एक काफी मुश्किल बात है, जो कि मुझे भी लगा था, लेकिन वंस यू डिलीवर देम यू रियलाइज कि कितनी आसान वे में मैं उनको कैरी कर रही थी। एटलीस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आई कुड रेस्ट व्हेन आई वांटेड, लेकिन अभी मुझे जो भी करना होता है उनके अकॉर्डिंग करना होता है। एक बार बेबीज के आने के बाद इस साइकिल में, इस वीसीएस साइकिल में तुम ऐसे फंस जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब दिन हुई कब रात। और उस वक्त एग्जैक्टली मेरे साथ वही हो रहा था। घर पे बड़े या फिर मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स अक्सर मुझे कहा करते थे कि मधु थोड़ा सा आराम कर लिया करो जब बच्चे सोते हैं। अब मैं किस किस को बताती कि दोनों बच्चे एक टाइम पे सोते ही नहीं हैं। एक सोता है तो दूसरा जागता है, दूसरे को सुलाते सुलाते पहले वाले का फीडिंग टाइम आ जाता है, उसको फीड करते करते दूसरा पॉटी कर देता है, डायपर चेंज करते करते दूसरा फिर से जग जाता है। इस साइकिल में मैं ऐसे बुरी तरह फंसी थी कि मैं आप सबको क्या बताऊं। अगर आप भी ट्विन मॉम है तो ऑब्वियसली मुझसे रिलेट कर पा रही होगी। बिलीव मी, आई एम नॉट एट ऑल एग्जैजरेटिंग। डिलीवरी के बाद 6 से 8 महीनों तक मैं एट ए स्ट्रेच 1.5 आवर से ज्यादा शायद सोई ही नहीं होगी, शायद क्या फॉर श्योर नहीं सोई थी। इस दौरान मैंने बहुत कोशिश की कि दोनों को साथ में खिलाऊं, साथ में सुलाऊं, लेकिन टिल 6 मंथ्स ऑफ एज बेबी को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कब दिन है कब रात, सो उनके स्लीपिंग शेड्यूल को बनाना इतना आसान नहीं होता है। वैसे तो एक्सपर्ट्स हमेशा से कहते आए हैं कि सिंक्रनाइज योर ट्विन बेबीज स्लीपिंग शेड्यूल, बट इट इज ईजियर सेड देन डन। जब हम प्रैक्टिकली इस बात को लागू करने जाते हैं तब पता चलता है कि ये कितना टफ होता है। सो 6 मंथ्स की एज तक, सिंस बेबीज के डायर्नल साइकिल्स अच्छे से विकसित नहीं हुए थे और उसके ऊपर से मेरे बेबीज थे प्रीमैच्योर बेबीज, तो मैं उनके स्लीप शेड्यूल को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाई थी। वियान सुबह जल्दी उठ जाता था, 5 बजे रोज उठ जाता था। रात को तो उठते ही रहते थे लेकिन 5 बजे वो उठ जाता था, और जियान था कि उसको रात को 1.5-2 बजे तक मेरे गोद में ही सोना होता था, वो बेड पे नहीं सोता था। सो इमेजिन 2:30 को मैं एक को सुलाकर फ्री हुई, दूसरे को फीड करवाया और सुलाया, 5 बज गए, वो उठ गया, तो मतलब मैं सोऊं तो कब सोऊं। इस दौरान मेरे और मेरे हस्बैंड की नींद की पूरी वाट लगी हुई थी। उसके ऊपर से ब्रेस्ट फीडिंग एक दूसरा चैलेंज था, मतलब टैंडम ब्रेस्ट फीडिंग सीखते सीखते मुझे काफ़ी टाइम लग गया, और जब मैं ऑल्टरनेट उनको ब्रेस्ट फीड करवाती थी तब वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता था। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मेरे पास खुद के लिए कोई टाइम नहीं होता था। जब बच्चे 8 से 9 महीने के हुए तब
things were little better. By the time they reached 1 year, thankfully दोनों की activities बिल्कुल synchronized हो गई थी और ये बहुत सही रहा मेरे लिए भी क्योंकि I had to join job on their first birthday क्योंकि कोविड का सिचुएशन आ गया था, मेरी लीव्स कैंसिल हो गई थी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं उनके इस स्लीप एंड फीडिंग शेड्यूल को सिंक्रोनाइज कर पाई बाय द टाइम दे रीच्ड 9 to 10 months। आप भी अगर एक ट्विन मॉम है तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने बच्चों का एक सिंक्रोनाइजेशन बना सकती है। Maybe a little later or sooner than I could do. तो पहली बात है कि शुरू के 6 महीनों में मेरे बच्चे हर डेढ़ 2 घंटे में उठ जाया करते थे फीडिंग के लिए। So इस बात का ध्यान रखना कि किसने कब फीड किया, ये एक बड़ा ही हरक्यूलियन टास्क हुआ करता था मेरे लिए। उसके ऊपर से बेबी के डायपर वेटिंग या फिर पॉटी या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स, एवरीथिंग का ट्रैक रखना एक मॉम के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और रात को तो कभी कभी ऐसा होता था जिस बेबी को फीड करा के सुलाया मैंने, उसी को उठा लेती थी फिर से फीड करवाने के लिए। थोड़ा नींद का भी असर रहता था, थकान भी रहती थी। वैसे तो मेरे बेबीज आइडेंटिकल नहीं है, फ्रेटर्नल ट्विन्स है, तो सोचिए उन माओं की क्या हशर होती होगी जिनके बेबीज आइडेंटिकल ट्विन्स है। एक बार मेरे वियान को, ट्विन बी को, लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग की इश्यू हो गई थी। काफी छोटा ही था तब वो, तो मैंने डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये ध्यान रखना कि उसने वॉमिटिंग कितनी बार किया या पॉटी कितनी बार किया, और ये काफी टफ हो जाएगा अगर दोनों बेबी साथ में बीमार पड़े, तो मेक इट श्योर कि आप एक डायरी मेंटेन कीजिए। सो तब से मैंने एक डायरी मेंटेन करना शुरू किया था रिगार्डिंग बेबीज डायपर टाइम या फिर पॉटी टाइमिंग्स हो गया, उनके फीडिंग टाइम्स के। और आफ्टर अ मंथ मेरे लिए एक सोल्यूशन सामने आया। आफ्टर डूइंग सम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आई कुड फिगर आउट कि मैं कैसे उनके टाइमिंग्स को एक दूसरे के आसपास ला सकती हूँ। दूसरा काम जो मैंने किया इस दौरान वो था कि आफ्टर माई बेबीज रीच्ड 6 months ऑफ एज, उसके बाद एज अ प्रिपरेशन कि मुझे बाय द टाइम दे रीच 1 ईयर सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, तो मैं उन्हें 7:30 जगा दिया करती थी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितनी भी गहरी नींद में सो रहे हों। और फिर बाय हाफ एन आवर 8:30 मैं उनको नहलवाकर फ्रेश करवा देती थी। मैं उनके मसाज और नहलवाने के टाइम को लेकर अभी भी वही रूटीन मेंटेन कर रही हूँ, और मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इस बारे में कि ये काम मैं किसी और को नहीं करने देती। मैं खुद ही उनका मसाज करती हूँ और खुद ही उनको नहलवाती हूँ, एक्सेप्ट ट्वाइस और थ्राइस आई गेस इन दिस 2 years and 5 months ऑफ देयर एज, अभी वो 2 साल और 5 महीने के हैं। एक या दो बार ही होगा जब उनकी दादी ने उन्हें नहलवाया होगा। अदरवाइज आई फील इन द मॉर्निंग इट्स अ वेरी गुड बॉन्डिंग टाइम बिटवीन मी एंड माई बेबीज, क्योंकि अब तो मैं पूरे दिन के लिए ऑफिस में होती हूँ। व्हेन आई कम बैक एट अराउंड 3:30 वो अक्सर सो जाते हैं, या फिर 5-10 मिनट्स ही मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, मैं फिर बाहर जाती हूँ और अराउंड 8 PM मैं वापस आती हूँ। सो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ नहीं मिलता। सो मॉर्निंग का ये जो टाइम है ये एक्सक्लूसिवली मैं उनके साथ स्पेंड करती हूँ इन दिस मसाजिंग एंड देन उनको नहलवाने के लिए। इसके अलावा एक और रूटीन मैंने तैयार किया, वो था उनकी डायपर चेंज करने का रूटीन। हर 4 से 5 घंटे में मैं उनका डायपर चेंज करती थी साथ में, और इसके बाद एक कॉटन क्लॉथ को गुनगुने पानी में डालकर उनके बॉटम को वाइप करती थी। एक्सेप्ट ऑन डेज व्हेन देयर पॉटी टाइमिंग्स वर नॉट दैट सिमिलर, जो कि अभी ऑलमोस्ट वो भी सिंक्रोनाइज्ड हो गए हैं, सुबह सुबह उठकर वो नहाने से पहले पॉटी करके फ्री हो जाते हैं। सो अगर आप फीडिंग टाइम सिंक्रोनाइज कर पाए तो ये पॉटी टाइमिंग्स भी अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाती है अक्सर, एक्सेप्ट 1 or 2 days का एक्सेप्शन हो सकता है, पर यूजुअल टाइम टेबल की मैं बात कर रही हूँ। अब इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि उनके स्लीप और फीडिंग टाइम को शेड्यूल करना। सो इसके लिए मैंने क्या करना शुरू किया कि जैसे ही एक बेबी फीडिंग डिमांड करता था और सोकर उठ जाता था, मैं दूसरे बेबी को भी साथ में उठा देती थी।
या तो टेंडम फीडिंग कर लेती थी या फिर अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ, बेबी क्रैंकी है, तब मैं पंप करके ब्रेस्ट मिल्क एक बॉटल या फिर स्पून से फीड करने के लिए अपनी माँ या फिर अपनी मदर इन लॉ की हेल्प लेती थी। शुरू में तो एज पर आर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन हम स्पून फीडिंग ही करते थे एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क की, लेकिन आगे जाकर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डोमेस्टिक हेल्प और मेरी मम्मा भी अपने घर वापस चली गई थी तो हमें बॉटल फीडिंग देना पड़ा अपने बेबी को। सो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क को हम बॉटल के थ्रू दिया करते थे और हमारे डॉक्टर के कहे अनुसार हमने फिलिप्स का बॉटल यूज किया था, जिसमें कि एक बच्चे को सिमिलर एफर्ट देना पड़ता है लाइक ब्रेस्ट फीडिंग। आप मेरे ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड वीडियोस देख सकती हैं ये समझने के लिए कि क्यों बॉटल फीडिंग अवॉइड करना जरूरी होता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे डॉक्टर ने जो भी रिकमेंड किया था वो बॉटल मैंने यूटिलाइज किया था अपने बेबीज के लिए। देखिए, शुरू में मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि एक सोए हुए बेबी को कैसे उठाया जाए, लेकिन बाय 6 months ऑफ माई बेबीज एज मुझे ये समझ तो आ गया था कि अगर मैं एक बेबी को फीड करके दूसरे को ना उठाऊं और उसे सोने दूं, तो मैं जब तक सोऊंगी इन 1/2 hour और 1 hour ये बेबी पक्का उठ जाएगा क्योंकि उसे भूख लग जाएगी। और फिर इसे फीड करते करते बर्पिंग वगैरह करवा के सुलाते सुलाते पहले वाले बेबी का फिर से फीडिंग टाइम हो जाएगा क्योंकि 2-2.5 hours मैक्सिमम, उसके बाद तो उन्हें उठना ही होता था। इसलिए आप भी ये ट्राई कर सकती हैं कि एक बेबी उठ जाए तो दूसरे को भी उठाकर फीड करवा दें, और साथ में फीड कराएंगी तो पहले ही मैंने कहा है कि शायद उनके पॉटी एंड सुसु वाले सेशंस भी साथ में ही होंगे एंड देन यू कैन सिंक्रोनाइज योर डायपर सेशंस एज वेल। सो जब मैंने अपना जॉब रीजॉइन किया था ऑन द डे ऑफ माय ट्विन बेबीज फर्स्ट बर्थडे, तब तक उनका एक अच्छा सा शेड्यूल बन गया था। सुबह 7:30 के आसपास वो उठ जाते थे और मैं उनको मसाज करके, नहलवा कर, ब्रेकफास्ट करवा के 9 बजे घर से निकल जाती थी वो दोनों। उसके बाद 1 घंटे के लिए सो जाते थे जो कि उनका मॉर्निंग नैप टाइम होता था। फिर लंच के बाद वो 2 से 2.5 घंटे सोते थे। बाय द टाइम वो 1.5 साल 2 साल के हो गए, उनका ये नैप टाइम सुबह का बिल्कुल नहीं रहा। और अभी भी जब वो 2 साल और 5 महीने की एज के हो चुके हैं, मॉर्निंग वो नहीं सोते, लेकिन आफ्टरनून उनका अराउंड 2.5 to 3 hours का एक नैप टाइम रहता है। सो अब हमारा शेड्यूल ऐसा है कि मॉर्निंग वही 7:30 उठकर उनको नहलवा कर, ब्रेकफास्ट तो आजकल मैं नहीं खिला पाती, उनको एक कप मिल्क देकर मैं निकल जाती हूँ। बाय 9:30 उनकी दादी जी ये इंश्योर करती हैं कि वो ब्रेकफास्ट कर ले। बाय 11:30 उनका स्नैक टाइम होता है, ये फ्रूट्स या कुछ भी वो खा लेते हैं। बाय अराउंड 1 to 1:30 वो लंच करते हैं और 3-3:30 बजे के आसपास वो सो जाते हैं। फिर अराउंड 5:30 उठकर मिल्क टाइम होता है उनका, उसके बाद 6:30 के आसपास स्नैक्स लेते हैं और फिर मैं आ जाती हूँ और बाय 9 PM उनको मैं डिनर सर्व कर देती हूँ। सो ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छे से बन गया है, अब दोनों हर काम साथ में करते हैं। सो इससे मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने लिए और उसी फ्री टाइम में मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ बनाया करती हूँ। इसके अलावा जब भी हमें किसी ट्रिप पे जाना होता है या आउटिंग पे जाना होता है तो इस शेड्यूल का थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाता है, बट वंस वी आर बैक टू होम एंड बैक ऑन ट्रैक वी मेक इट श्योर कि इस शेड्यूल को फिर से फॉलो किया जाए। और अब तो सिंक्रोनाइजेशन बन गया है, इतना टफ नहीं रहता बैक टू ट्रैक लाने में भी। सो अपने लिए कुछ टाइम निकालने के बाद मुझे भी अच्छा लगने लगा है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू शेयर सच एक्सपीरियंसेस विद अदर ट्विन मॉम्स, जो कि मैं नवंबर से मैंने स्टार्ट किया है ऐसे वीडियोस बनाना, आप लोगों के साथ शेयर करना। मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको ऐसे ही पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, मैं दूसरी ट्विन मॉम्स से भी सुनना चाहूँगी कमेंट बॉक्स में कि वो कौन से आइडियाज अपनाते हैं खुद के लिए टाइम निकालने के लिए, अपने बेबीज को मैनेज करने के लिए, ताकि मेरी भी कुछ मदद हो जाए। सो मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।